राजमा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही यह हमारी सेहत के लिए लाभकारी है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा राजमा हमें कई तरह की बीमारियों से भी निजात दिलाती है। राजमा में खूब सारा प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन आदि जैसे ढेर सारे पोषक तत्व मिले होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो राजमा को अपने खाने में शामिल करें। राजमा में सिर्फ फाइबर और प्रोटीन ही नहीं होता बल्कि काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और फ्री रेडिकल्स से इसे मुक्त रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स में एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं। राजमा खाने से दिमाग को बहुत लाभ होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। साथ ही ये विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत है जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये दिमाग को पोषित करने का काम करता है। राजमा में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद सोल्यूबल फाइबर पेट में जाने पर जेल बन जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है और सिस्टम में उसके अवशोषण को रोकता है जिससे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो ऐसे में आप राजमा का सेवन कर सकती हैं। वैसे तो अधिकतर लोग इसे सब्जी के रूप में खाते हैं लेकिन आप इसको उबाल कर सलाद के तौर पर भी खा सकती हैं। यह कब्ज की समस्या को ठीक करती हैं। राजमा में उच्च मात्रा में आयरन मौजूद होता है जिस वजह से यह ताकत देने का काम करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए आयरन की जरूरत होती है जो राजमा खाने से पूरी हो जाती है। साथ ही यह शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बढ़ाता है।